गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो भैया, कई लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि केला जो है ये क्या करता है, फैट बढ़ाता है, फैट घटाता है, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कितने खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या क्या इन सब चीज़ों से मिलता है। ठीक है, तो आज बात कर ही लेते हैं इस टॉपिक पे भी। देखो, होता क्या है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर हम देखें तो केला की जो तहजीब है वो थोड़ी सी ठंडी मानी गई है। ठीक है, अगर वर्कआउट के हिसाब से देखें तो दो केला इनफ होता है। इससे ज़्यादा खाना मतलब खा सकते हो लेकिन उचित नहीं होता है एक हिसाब से देखा जाए तो। दो केला सफिशियंट है पर डे के हिसाब से। होता क्या है इसमें, अगर हम केला में देखें तो B6, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर्स ये प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, दिल के लिए अच्छा हो सकता है ये आपके। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा हो सकता है ये। ठीक, और कब खाना चाहिए अगर हम इससे रिलेटेड बात करें तो आप मॉर्निंग में खा सकते हैं, दिन में खा सकते हैं, पर रात को इसे अवॉइड करना चाहिए। रीज़न ये है इसके पीछे कि अगर हम रात में खाते हैं तो ये म्यूकस जनरेट करता है, क्योंकि इसकी तहजीब थोड़ी सी ठंडी होती है। तो इसके हिसाब से सुबह जब उठेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे थोड़ी सर्दी हो गई है या गले में थोड़ी खराश हो रही है। ठीक है, क्योंकि म्यूकस जनरेट करता है ये। बाकी आप कभी भी खा सकते हैं, दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं, कोई इशू है नहीं। ठीक है, दो केले में इतना इनफ एनर्जी होता है तो एक घंटे आप एकदम बेहतरीन तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। तो एज अ प्री वर्कआउट भी आप मतलब ले सकते हैं, है ना, वर्कआउट से पहले आप ले सकते हैं आराम से। बाकी इससे रिलेटेड और भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।